100% मान के चलिए। ये तो मेरा डायलॉग आप बोल रहे हो। एक बात है, डायलॉग ने बोल दिया नहीं, बड़ी फीलिंग है हमने। अगर इतिहास नहीं रास्ता दिखाई देता तो कर्म और धर्म आज मेरा इंटरव्यू नहीं करते। नेताजी, आपकी जो टक्कर है वो कांग्रेस का गिला है, बीजेपी का गिला है? डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के साथ धोखा बीजेपी ने कराया है कि कांग्रेस ने कराया है? मैं तो सुनता था कर्मूर धर्मूर सारा दिन टेढ़ी मेढ़ी बात करते। डॉक्टर कपूर ने अपनी राजनीतिक हत्या कर ली। सारे भाई ने राम राम। भाई मैं उत्तरादेशी पत्रकार धर्मू, और भाई अलका बरोदा उठा पटक का दौर चल पड़ा है, और भाई जो इलेक्शन का डुमडुमा है बहुत गहमागहमी का दौर चल पड़ा है, और इस टाइम भाई हम अलका बरोदा का इनेलो ऑफिस में पहुंचे हैं, रात आली देसी रेड मारी है, सूत्रों का वाला तो हमने जानकारी मिली भाई इनेलो के जो फिलहाल के सुप्रीमो हैं यानी कि अभय सिंह चौटाला, नेताजी तय कड़वे आडे बांगे, और भाई गोहाना में है तो गोहाना पर की जलेबी की तरह सीधे सवाल पूछांगे, आज मार गए भाई सोई ग्राम हटी आज भाई। हाँ जी, राम राम जी नेताजी, राम राम जी। और जी क्या हाल चाल है जी? तो भाई इन लोग का ऑफिस और तुम देख सको हो चुकते कम है कम है बिल्कुल जी, और ठीक ठाक तो इन लोग सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला, मतलब जैसे तैयारी चल रही है इलेक्शन की, किस तरह की रणनीति तैयार करने लग रहे हैं पूछांगे आज हमारे के लिए। नेताजी मारे दर्शक ने राम राम कर दिया। राम राम भाई राम। थोड़ा बचिए जी, 100 ग्राम जगह मन ने दे दीजिए। 100 ग्राम बतेरी ले ना, आड़त थी ना, इतना ही बतेरा ले। हाँ जी नेताजी, ऊठा पटक का दो चल पड़ा है, और अलका बरोदा की अगर बात करें, बरोदा जो है वो लोकदल की जमीन रही है, लोकदल ने इस जमीन को उपजाऊ बनाया था, इसको पर काम कराया था, तो ई बाप ने के लागे है, किस तरह की रणनीति है, किसका गले टक्कर है? मुझे आप पहले पत्रकार मिले हो बहुत दिन बाद जी, जिसने ये कहा कि ये लोकदल की जमीन रही है। हमने बेरा है जहाँ तो बता दिया बात नहीं, यहाँ आम जो जितने भी घूम रहे हैं उन सब ने लगातार पता नहीं कांग्रेस वालों ने उनको क्या सुंघा रखा है, हुडा का गढ़ हुडा का गढ़ करे। आप स्वयं इस बात को मानते हो कि चौधरी देवीलाल का गढ़ रहा है हमेशा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बीच में 3 जो चुनाव ऐसे गए थे जिसमें थोड़े थोड़े मार्जिन से हमारा उम्मीदवार हारता गया। पिछला जो चुनाव था उसमें हमारी पार्टी में रिप्स आने की वजह से मतदाता भ्रमित हुआ था, बिल्कुल 2 महीने हो गया, लेकिन अब उस मतदाता के दिमाग से सारी बात जो साफ हो गई। अब फिर दोबारा चौधरी देवीलाल का गढ़ जो है जी, उसी तरह से उनकी नीतियों में लोग विश्वास करके हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके भेजेंगे। अभय सिंह जी, जो अलका बरोदा का जो चुनाव है इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है, वो चाहे कांग्रेस वाले खेमे में चले जावा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी वाले खेमे में चले जावा, कि जो जेजेपी का जो और बीजेपी का गठबंधन है, उस गठबंधन में जो प्रत्याशी उतारा गया है उसके ऊपर जेजेपी का वोट कौन जानता है, यानी जेजेपी का जो मतदाता है वो कित जाओगा, जीत भी जाओगा, ओढ़े किमिन किमें तूफान आओगा, तो क्या लगा आपने जेजेपी का मतदाता कित जाओगा? जेजेपी का मतदाता था ही नहीं, जेजेपी में जिस किसी ने वोट डाला था उस वक्त वो सारा का सारा वोट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का था, वो हमारा वोट ट्रांसफर हुआ था जेजेपी में। ट्रांसफर वो इस बात पे हुआ था कि जेजेपी के लोगों ने जब मेरे खिलाफ एक बड़ा प्रचार किया, वहीं इस बात को लेकर के आम लोगों के अंदर एक भावना पैदा करने का काम किया कि सही मायने में चौधरी देवीलाल की बारिश तो यही है। नेताजी जो जी जी अच्छा रहेगी कसर आप सुन रहे हैं ना, सुन लग रही है अच्छा, मैंने बेरा को फुल स्टॉप लागे फोन लागे अभी। तो आज उन मतदाताओं को जो भ्रमित हो गए थे, जिन्होंने कहीं उन लोगों पे भरोसा कर लिया था, आज जब वो बीजेपी के साथ मिलकर के जब सत्ता में शामिल हुए, उसी दिन लोगों ने ये फैसला कर लिया था कि हमें जब मौका मिलेगा हम इनको सबक सिखाएंगे, और इस चुनाव में वो सारा का सारा मतदाता हमारा फिर वापस हमारे साथ खड़ा होगा। यानी कि घर वापसी का दौर चलेगा? नहीं, घर वापसी नहीं, हमारे थे हमारे हैं, आपके हैं और आपके थे। हाँ चलो नेताजी, अलका बरोदा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपका, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस मुद्दे के ऊपर आप अलका बरोदा में चुनाव मैदान में हुंकार भरी है? ये है पत्रकार वाली बात जी,
मैं तो सुनता था कर्मूर धर्मूर सारा दिन टेढ़ी मेढ़ी बात करता था। मुद्दा जो है विकास है, विकास यहाँ पे हमारी जब सरकार रही जी, जितने भी काम हुए, आप किसी भी मतदाता से, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे वो हमारा है, चाहे कोई न्यूट्रल है, उससे जब ये पूछोगे कि काम किसके समय में हुआ, तो फिर 100% सोचने पे मजबूर होगा। यहाँ पे जो किसान था वो गन्ने की खेती करने वाला है, ठीक है, और उसको अपना गन्ना जो है 2000 से पहले या तो रोहतक ले जाना पड़ता था, ठीक है, या कोई जींद ले जाता था, या पानीपत ले जाता था, या सोनीपत, ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ता उसके ऊपर, उसके ट्रैक्टर ट्राली भी टूटते थे, और उसको कई कई दिन लाइन में लग करके खड़ा होना पड़ता। ठीक बात है। जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर बने और जब उन्होंने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किए, बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों ने डिमांड करी गुहाना बड़ौदा जो सराउंडिंग एरिया है कि हमारे यहाँ एक शुगर मिल दो ताकि हम इस परेशानी से बचे। ठीक बात। और चौटाला साहब ने उसी दिन अधिकारियों को आदेश कर दिए, एक साल में मिल तैयार करके किसानों को सौंप दी गई। वो सबसे बड़ी परेशानी उनकी खत्म हुई। ठीक बात। उसके बाद उनकी जो अगली दिक्कत थी कि बच्ची 12वीं क्लास के बाद कहाँ पढ़ने जाए, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या, वो समस्या थी। तो उन्होंने गुहाना में लड़कियों के कॉलेज की डिमांड करी, गुहाना में लड़कियों का कॉलेज बना के दिया। यहाँ कोई अनाज मंडी नहीं थी, बड़ौदा और गुहाना को अलग भी नहीं, आप सुनते नहीं, फिर रोड़ा तो वहीं पड़ जाएगा। जो मंडी थी अनाज की, उसके लिए भी जैसे गन्ने की परेशानी थी, वैसे इनके सामने अपना धान बेचने की, चाहे वो आपका धान की फसल थी, चाहे कोई गेहूं की थी, चाहे बाजरा था, उसके लिए एशिया की सबसे बड़ी मंडी बना के थी। ये इलाका जो है ना, बहुत सारा बिरानी था, यहाँ पानी की बहुत कमी थी, यहाँ से नहरें बहुत जा रही थी, ड्रेन बहुत जा रही थी, लेकिन उसमें से कहीं कोई पंचर करके पानी नहीं मिल रहा था लोगों को। चौटाला साहब ने अनेक गाँव को रजवाए दिए। आप गांव में पूछो जो रजवाए बने हुए हैं कि किसके वक्त के, वो बताएंगे खुल बिल्कुल जी कि रजवाए उन्होंने, यानी शिक्षा के ऊपर भी काम कराया, रोजगार के ऊपर भी काम कराया, और किसान के लिए और हरियाली के लिए भी काम कराया, और आपका तो रंग आ रहा है। वो तो आप देख रहे हो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये चीजें किसी से पूछो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछ लेना ये बात, चलो जरूर पूछेंगे। ये जो सारी चीजें ये किसने बनाई थी, ये भी पूछना कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, हमने बनाया इसलिए था कि इस इलाके के बच्चे उस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ करके अच्छी जगह जाकर के जॉब कर सके, बिल्कुल, कोई सरकारी नौकरी लगे, कोई प्राइवेट जॉब में जाए। इन्होंने उस कॉलेज को बंद कर दिया, और कॉलेज को इन्होंने इन्होंने बंद कर दिया, और बीजेपी ने उसको अकेडमी बनाने के लिए जो इनका प्रत्याशी है उसको दे दिया। कोई इंस्टीट्यूट इसलिए थोड़े बनाए जाते हैं कि उनको बंद कर दिया जाए, उनको फिर किसी ऐसे आदमी को दे दिया जाए जो उस पार्टी से संबंध रखता है, वो उसमें अपनी अकेडमी बनाई चलाए जी। अगर सरकार ने कोई अकेडमी के लिए जगह देनी थी योगेश्वर दत्त को, तो फिर और कोई दूसरी जगह से जमीन इक्वायर करके किसी पंचायत से लेके देते, उस चीज को चलने देते, उस कॉलेज को चलवाते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही नेताजी ने। चलो नेताजी, इस मुकाबले की अगर बात करें, बड़ौदा घमासान की अगर बात करें, तो कोई ना कोई त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई ना कोई चकोणीय मुकाबला है, और एक बहुत बड़ी घटना घटी हल्का बड़ौदा के अंदर। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जो है, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, तो उस तरह इन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? डॉक्टर कपूर ने अपनी राजनीतिक हत्या कर ली। कोई भी राजनीतिक आदमी जो है, या तो किसी दल में शामिल होकर के चुनाव लड़ता है, और जब कोई दल किसी को टिकट ना दे, इंडिपेंडेंट फार्म भर ले, जो दल वो जो उसको बेइज्जत करके दल दल बना दिया, दल दल बना दे, उसमें अगर वो वापस जा करके शामिल होता है, तो फिर ये मान के चलो कि उसको राजनीतिक समझ नहीं है। चलो नेताजी, ये बताओ, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के साथ धोखा बीजेपी ने कराया है कि कांग्रेस ने कराया है? दोनों ने कराया, दोनों ने कराया, और उसने हमारे साथ कराया। अच्छा, रड़क वाली राजनीति चल पड़ी। ना ना, हमने तो उसको मान सम्मान दिया, हमने इज्जत दी, हमने उसको दो बार चुनाव लड़ाया, और हमारे साथ चौटाला साहब ने जितना मान सम्मान उस परिवार को दिया, इस गुहाना में, शायद ही मेरी ख्याल ये गुहाना के लोग बैठे हैं, इनसे पूछ लो जी,
कि इस तरह का मान सम्मान किसी और परिवार को भी यहाँ मिलाएगा। तो इब्ने बताओ, इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमें जब छोड़ के भाजा तो उसने चुटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपा, धोखा उसने किया, और उसने जैसे हमारे साथ धोखा किया वैसे ही उसके साथ बीजेपी और कांग्रेस ने किया, जैसे को तैसा मिल गया, जेजेपी ने भी किया उसके साथ। तो इब्ने बताओ, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल के जो समर्थक हैं वे किस जाओगे? हमारे साथ आएंगे, आपके साथ आएंगे, 100% मान के चलिए। ये तो मेरा डायलॉग आप बोल रहे हो। एक बात है, इस डायलॉग ने बोल देने नहीं, बड़ी फीलिंग हवा हमने बोले 100% मान के चलिए। आपको लगता है तब क्या वैसिंग के साथ बैठे हूं भीतरे आप वैसिंग आज भाई कैमरे लाइट उसकी ऑन कर ले। अच्छा इब्ने बताओ जी, नेताजी आपकी जो टक्कर है वो कांग्रेस का गिला है कि बीजेपी गिला है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रही है, गठबंधन है। बड़ा बयान आ गया भाई नेताजी अभय सिंह चौटाला का, बहुत बड़ा बयान है, अभी कांग्रेस और बीजेपी का गठबंधन है इलेक्शन में। गठबंधन अगर नहीं होता तो कांग्रेस फिर किसी इसी ऐसे चेहरे को चुनाव में उतारती जिसका यहाँ राजनीतिक आधार होता है। टिकट तो डॉक्टर नरवाल को कहा था भी 13 को देने, ठीक है चलो, उसने तो जैसा दूसरों के साथ किया वैसा कांग्रेस ने उसके साथ कर, जितना टिकट मांग रहा था, ठीक बात, जो यहाँ का जाना पहचाना चेहरा था, और तीसरा टिकट मांग रहा था प्रदीप सांगवान, जिसके फादर 2-3 दफा मेंबर पार्लियामेंट रहे, हमारे टाइम में हमारे एमएलए रहे, मंत्री रहे, उसकी भी पूरी पहचान इस इलाके में थी। इनको इग्नोर कर ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानता भी नहीं है, तो ये बीजेपी को लाभ, आपने फायदा लगा इसका, ये बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली बात है कि नहीं है? इसका ज्यादा फायदा बीजेपी ने मिलेगा कि नेहलो ने? मैं कहता हूँ दोनों नूरोकस्ती कर रहे हैं। अच्छा, दोनों मिलके लड़ रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का मतदाता जो है इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझता है जी। नेताजी इनेलो की अगर बात करें तो किसाना का की पार्टी मानी गई है, रंग भी आपकी पार्टी का रहा है, तो इब्ने बताओ किसाना का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था, जैसे पिपली कांड की बात करा, सिरसा कांड की बात करा, और सिरसा में तो किसान ने बाढ़ देखे थे भाई दूसरे चौटाला की कोटी पर पहुंचांगे और भाई अपनी बात रखांगे, लेकिन ओडा मिला, मतलब जो है ना वाटर कैनन मिला, जो है ना पुलिस और किसान हमने सामने, तो इनका किसने नुकसान और किसने फायदा होगा? हमारी पार्टी पे तो ये लेवल है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो किसान समर्थित पार्टी है। चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसान की, दबे की, कुचले की, गरीब की, कमजोर की मदद करी, हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी, हमेशा उनको कैसे उठाया जाए, इसलिए उनको राजनीति में ऊपर उठाने का काम किया, उन वर्ग के लोगों को एमएलए और एमपी बनाया जिनके वोट की कहीं काउंटिंग नहीं होती थी। आज जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी जिसने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर अलग अलग दिनों में जा करके और प्रधानमंत्री के नाम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था कि इन काले कानूनों को वापस लो, अगर नहीं लोगे तो हम इसके लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। चलो अब ये चुनाव की तारीख तय होगी जी, जैसे ये चुनाव से निपटेंगे, हमने 20 नवंबर को पीपली में किसानों को लेकर के एक बड़ी पंचायत रखी, महापंचायत किसान की, और किसान बचाओ उसका नाम रखा है जी, और 20 तारीख को कम से कम 5 लाख लोग इस प्रदेश के खेती करने वाले वहां पहुंचेंगे, और हम सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए जी। अभय सिंह जी, अभी जो तूफानी दौरे आपके चल रहे थे 22 जिला में, उसमें कुछ इस तरह का दौर भी देखा हमने कि कई ऐसे नेता हैं जो कोई बीजेपी में था या कोई और था, उन दाएं बाएं तक घूम फिर कर वापस आने लग रहे आपके दौरे। आप ये समझो कि हमने ये तो देखा है कि जो सत्ता पक्ष की पार्टी होती है लोग उसमें जाकर के शामिल होते हैं, ठीक बात है, ये भी आपने मेरे ख्याल पहली दफा देखा होगा कि जिस पार्टी का आप लोगों ने भी और राजनीतिक लोगों ने भी और मुझे लगता है अधिकारियों ने भी ये सोच लिया होगा कि अब ये राजनीतिक तौर पे खत्म हो जाएगी ना। हमने तो कौन सोची ना, सोची थी, तुम भी बहुत कुछ बोलिया करते। हमने उस पार्टी को उस मुकाम पे फिर से ला करके खड़ा करना शुरू कर दिया कि 2024 हमारा होगा। अच्छा, बड़ौदा का जो चुनाव है वो इनेलो के लिए के तोहफा लेकर होगा, के सौगात लेकर होगा, या बहुत बड़ी चुनौती बनका होगा? अब तो विधानसभा में मैं एक हूँ, और एकला विधानसभा में जाता हूँ जब सरकार की कांग्रेस की हालत कैसी होती है आपने देखी हो, बोले शेर का बच्चा एक ही अच्छा होती है ना, दूसरा और मेरे साथ आकर के खड़ा हो जाएगा
फिर तो विधानसभा छोड़ के भागेंगे। ठीक बात है, तो आपका लक्ष्य क्या है, मतलब वहाँ अपनी बात रखना या मतलब किसी को बजाना आपका उद्देश्य है विधानसभा में, या किसान के हक की लड़ाई लड़ना है? मेरा लक्ष्य है लोगों के साथ न्याय कराना। मेरा लक्ष्य है किसान को कोई सरकार दबाए, कोई सरकार उसके ऊपर अत्याचार करे, उसको न्याय दिलाना। जी चलो, इन्हें लोग के जो प्रचार गाड़ी है उन पर हमने कई बार न्यू लिखा देखा है, बोले अब असत्य है, अब असत्य है, इसका क्या मतलब है? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? मतलब हमने तो न्यू लागे है भाई, जिस तरह लोग न्यू कहे नहीं भाई अब नेटो के देख लो भाई कड़वा है, लेकिन न्यू लोग न्यू माने भाई कड़वा जरूर लेकिन सच्चा है। नहीं आपने क्या लगे, आप भी तो बताओ। हमने तो न्यू लागे, हमने न्यू लागे जिसे भीतरता न्यू से भारत है। तो फिर ये कहने में गोलमाल वाला मामला को नहीं, फिर ये कहने में शर्म आवे भी अवे सत्य है नहीं कहीं शर्म आवे तो मैं कहूं क्या ना, मन तो कही है यह बात है। फिर आप शर्म की दाई है, मन तो सवाल पूछा है। आप खुद इस बात को स्वीकार करें, मैं अपने मुंह से ये बात कहूं तो अच्छा नहीं लगता। ठीक बात, जो लोग ये बात आपके बीच में कहते हैं किसी भरोसे पे कहते होंगे। बिल्कुल, तो ये भरोसा और बहुत फिर है मेरे जैसे यहाँ दो कपड़े पहनने में, उनके बारे में तो नहीं कहते। हाँ एक गजल भी है ना, बोले मैं भी तेरे जैसा हूँ। तो लग गए ऐतिहासिक, मतलब कुछ इतिहास रच पाओगे हल्का बरोदा में? आपको लगे मैं कौन रचा? मेरा तो सवाल है जी, आपने अगर इतिहास नहीं रास्ता दिखाई देता तो कर्म और धर्म आज मेरा इंटरव्यू नहीं करते। चलो ठीक है, कितने कितने है नहीं, राम देश से मुठभेड़ भी करेंगे आपका, गला प्रचार प्रसार के दौरान भी टकरावांगे और पूछांगे भाई लोग आके किस किस डाल की उम्मीद आपसे। ठीक है जी, राम राम। तो भाई इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला आक्रामक मूड में है, पूरे आक्रामक मूड में हैं, और भाई आडे टेढ़े बंगे बोले कई डाल के सवाल लिए और उनके जो जवाब दिए हैं, जिस तरह एक क्रिकेटर है नहीं, और भाई चाहे बाउंसर आ जाओ और चाहे स्पिन बॉल आ जाओ, किसे डाल की बॉल आ जाओ, उसे भाई सिक्सर चौके छक्के वह मारण की जो एक अदा थी वह देखने ने मिली अभय सिंह चौटाला की। और भाई कार्यालय चुप्रदत ऊपर नीचे धारिया हो रहा है, इब न्यू देखेंगे हरियाली कितनी बंडा होगी। तो भाई बने रहो एडी ठेठक है, अगली वीडियो की देखो बात, और भाई देसी मुठभेड़ भी करेंगे नेताजी आगे फील्ड में, और उस वीडियो का भी तुम बेसब्री तक इंतजार करो। थोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय धर्मू।